प्रताप का अंदाज हमेशा अलग होता है। इस बार बड़ी बहन मीसा भारती के नामांकन कार्यक्रम के दौरान दीदी और मां राबड़ी देवी तक हाथ हिलाकर अभिवादन करती दिखी, जबकि तेज प्रताप यादव राजद के कार्यकर्ता पर हाथ चलाते दिखे। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार इसकी वजह उनका गुस्सा है। तेज प्रताप को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मंच पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। मंच पर मौजूद सभी लोगों ने उस वक्त तेज प्रताप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इतना ही नहीं, जिस कार्यकर्ता को उन्होंने धक्का दिया था उसे देखकर फिर से उसके पास गए, गुस्से में उसे कुछ समझाने लगे। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती के नामांकन के बाद पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी। मंच पर राजद कार्यकर्ता के साथ मीसा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कुछ वरीय नेता मौजूद थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता का पैर तेज प्रताप यादव के पैर पर चढ़ गया। इसके बाद अचानक तेज प्रताप को गुस्सा आ गया और उन्होंने कार्यकर्ता को मंच से धक्का दे दिया। वहां मौजूद मीसा भारती ने तेज प्रताप को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद तेज प्रताप गुस्से में पीछे की ओर गए। जिस कार्यकर्ता को तेज प्रताप ने धक्का दिया था वह भी पीछे ही खड़ा था। तेज प्रताप उससे कुछ कह रहे थे। इसी बीच मंच पर पार्टी के वरीय नेताओं ने तेज प्रताप को समझा बुझा कर शांत करवाया। इसी बीच उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती मंच पर सामने आ गईं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी। इस मामले पर तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपनी बात साझा करते हुए लिखा, ये जो कुछ लोग मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो देख लिया आप सभी ने, दूसरी ओर हुआ ये था कि प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती और मेरी माँ साथ में दोनों खड़े हुए थे और वो बीच में आके धक्का दे रहे थे। मेरा हाथ पहले से जख्मी है और इनके द्वारा धक्का देकर आगे जाने के क्रम में असहाय दर्द महसूस होने पर मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक से मजबूरन उनको साइड करना पड़ा। मेरी मंशा कहीं से भी किसी को आहत करने की नहीं रही है। जनता मालिक मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता का मान सम्मान ही हमारा कर्म है। तेज प्रताप की इस हरकत पर आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चुनाव से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।